आईपीएल 2024 की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च शुक्रवार से होगी। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। लेकिन इस बार के आईपीएल में कमेंट्री के सरदार कहे जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की भी वापसी होगी। सिद्धू को शानदार कमेंट्री के लिए जाना जाता है। वे कमेंट्री के दौरान अपनी अतरंगी बातों से दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं, लेकिन लंबे वक्त से वो कई कारणों के चलते कमेंट्री से दूर थे, मगर अब आईपीएल के इस सीजन से उनकी वापसी हो रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर के कई मशहूर डायलॉग हैं जो वह अक्सर कमेंट्री के दौरान बोला करते थे। फैंस सिद्धू की कमेंट्री बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी वापसी से एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जान पड़ जाएगी। सिद्धू के कमेंट्री बॉक्स में लौटने की जानकारी स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी। एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कमेंट्री बॉक्स के सरदार नवजोत सिंह सिद्धू वापस आ गए हैं। सिद्धू की कमेंट्री पसंद करने वाले क्रिकेटर फैंस के लिए ये काफी सुखद खबर है। कमेंट्री बॉक्स में वापसी करने वाले कांग्रेस नेता पूर्व भारतीय क्रिकेटर 2024 लोकसभा चुनाव से दूरी बना सकते हैं। सिद्धू ने पत्नी की खराब तबीयत के चलते लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। वह भारत के ओपनिंग बैटर के रूप में खेला करते थे। इस दौरान उन्होंने 51 टेस्ट खेले। और इसके अलावा अगर बात करें उनके खेल की, तो आज भी उनकी गेम के कई सारे फैंस इस वक्त देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले वो कपिल शर्मा के शो में भी जज के तौर पर नजर आए थे। अब देखना ये होगा कि काफी वक्त के बाद उन्हें फिर से कमेंट्री बॉक्स में देख फैंस किस तरह से एक्साइटेड होते हैं। ऐसे ही देश दुनिया एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए।